हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि हमने जीएसटी बना अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि अमेज़ॉन की सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एंड बहुत ही इजी स्टेप में। तो वीडियो तो में बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जाएंगे क्रोम के टैब में। क्रोम के टैब में जाने के बाद हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल सर्च करेंगे, क्योंकि वो सेलर ऑफिशियल है अमेज़ॉन की तरफ से। तो सबसे पहले जो लिंक आता है, हम उस पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऐसा पेज खुल जाएगा, तो स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देना है। मेरा पहले से एक अकाउंट है सेलर अकाउंट में अमेज़ॉन, तो मैं दूसरे दूसरे अपने मोबाइल और ईमेल से खोला हूँ। जैसे आपको दिख रहा है, आपको भी वैसे ही पूरा खोलना है डिक्टो, ठीक है? तो आपका ये आपका सबसे पहले नाम एंड आपका जो मोबाइल नंबर, एंड उसके बदले भी आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जनरेट होएगा। तो आपका एक पासवर्ड भी आपको रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये पासवर्ड रख के सीधा कंटिन्यू पे कर देना है। ये हम न्यू अकाउंट बना रहे, ठीक है? तो ये पासवर्ड बनाने के बाद आपको ये कुछ पजल बताएगा, क्योंकि मतलब ऑटो रोबोट नहीं है करके, बस इसीलिए स्पायरल के लिए आपके पास कुछ अलग होगा। तो ये सब करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद आपको सबसे पहले पूछता है ओटीपी, जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी, अगर आप ईमेल डाले होंगे तो आपके ईमेल में भी एक ओटीपी आया होगा। तो हम मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल देंगे एंड इसको कंटिन्यू कर देंगे, क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। एंड उसके बाद में ओटीपी डालने के बाद आपका ईमेल मांग रहा है एंड आपका पासवर्ड मांग रहा है अमेज़ॉन का। तो आप अमेज़ॉन शॉपिंग वेबसाइट पे तो जो डालते हो ईमेल, आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है? कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वही आपका यहाँ पे कन्वर्ट होएगा। एंड आपके यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज आपकी कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना है एंड इसको टिक करके आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, आपका बिजनेस नेम। बिजनेस नेम देखो, आप जीएसटी बनाने के टाइम पे भी जो आप नेम डाले होंगे ना, मेरे हिसाब से आप इसमें भी वही नाम डालना, क्योंकि बिजनेस नेम दोनों भी लीगल नेम उसी। तो सेलर एग्रीमेंट पे हम टिक करके आप सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख चुके कि आपका स्टेप 2 और 4, मतलब 2 स्टेप हो चुके हैं और 2 स्टेप बाकी है। तो आपका ये स्टोर नेम पूछ रहा है, मतलब आपका दुकान का नेम या कुछ भी आपका बिजनेस का नेम, आप जो सोचे होंगे वो ही, ठीक है? एंड यहाँ पे अवेलेबिलिटी देख सकते हो कि है कि नहीं। तो ये दो नाम्स अवेलेबल हैं, तो हम ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यूनिक नेम रहेगा तो आपका खुद का आ जाएगा, ठीक है? एंड आप कौन से कैटेगरी में सेल कर रहे हो वो पूछ रहा है आप, तो आप इनमें से कौन सा भी चूज़ करके सिलेक्ट कर देना है, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। एंड आपका इंटीरियर एड्रेस, ये एड्रेस इसीलिए पूछ रहा है कि आपका पिकअप एड्रेस, आपका जो पार्सल होगा वो पिकअप कहाँ से किया जाएगा, तो वही एड्रेस पूछ रहा है। तो एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ पे देखो, ये दो मेन चीज़ है, ठीक है? ये अमेज़ॉन इजी शिप सर्विस, अमेज़ॉन इजी शिप सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको पैक करना होगा प्रोडक्ट को, पूरा प्रोडक्ट को पैक करना होगा सब लेबल लगा के। तो अमेज़ॉन वाला कुरियर आएगा, आपका पार्सल को पिकअप करेगा एंड डिलीवर कर देगा आपके एंड कस्टमर तक, ठीक है? अमेज़ॉन इजी शिप सर्विस का मतलब ये होता है। एंड दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, शिप यूजिंग योर ओन कुरियर, इसका मतलब ये होता है कि आपको पैक करके रखना होगा एंड आपका कुरियर पार्टनर जो होगा, तो आपके हिसाब से आपको जो रखना है वो रख दीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको ऑन कुरियर का अगर उतना नहीं समझ में आएगा, तो आप शिप सर्विस ही यूज़ करो। एंड उसके बाद में आगे बढ़ने के बाद आपको बोलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फ्रॉड तो बहुत है, तो फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे जब भी आप वापस से रीसेंड करोगे ना, तो ये ओटीपी मांगेगा, ठीक है? ये ओटीपी जब भी आप खुद ही होगे तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि तब फ्रॉड चल रहा है। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपना 1 टाइम पासवर्ड डाल देना है, ठीक है? आप जब भी लॉग इन करोगे ये आपको ये मांगेगा। अगर आप सेम ब्राउज़र से करते हो तो आप कीप मी साइन इन करके भी वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो ऐसा नहीं। और यहाँ पे भी और एक ऑप्शन आता है, डोंट रिक्वायर ओटीपी ऑन दिस ब्राउज़र, मतलब आप ये ब्राउज़र से आप खुद चलाओगे ये ईमेल से, तो ये वापस ओटीपी नहीं मांगेगा बार बार, ठीक है? एंड
अपडेटेड और टैक्स डिटेल्स, ये थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, आपका जीएसटी नंबर पूछ रहा है। अभी मेरा एक जीएसटी नंबर है जो पहले से वो उसमें ऑलरेडी चल रहा है, अगर मैं इसमें डालूँ तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसके हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सेलर लीगल नेम, आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर आएगा, एंड मैं क्या लिखा हूँ, आई वॉन्ट टू ओनली सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्ट कैटेगरी लाइक बुक्स। मैंने क्या बोला था, खाली विदाउट जीएसटी वाला जो चीज़ है वो सिर्फ बुक्स ही सेल हो सकता है। तो अभी मेरे पास जीएसटी और दूसरा तो नहीं है ना, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये कर रहा हूँ। आप जीएसटी, आपका तो जीएसटी बन गया, तो जीएसटी नंबर डाल के यहाँ पे पैन नंबर डाल के आप ही आगे बढ़ सकते हो। एंड उसके बाद क्या है, नीड हेल्प विद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास जीएसटी नहीं हो तो मैंने बता दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम नीचे चल देना, या जीएसटी नहीं है ना तो आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप उसके तरफ से उसके लिंक के थ्रू जाके जीएसटी भर सकते हो, या अप्लाई बाय सेल्फ मतलब फ्यूचर में जाके मैं भर दूंगा और तभी डाल दूंगा, इसका मतलब ये है। तो इसको ये करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा चौथा स्टेप आ गया, मतलब टोटली सब हो चुका है। तो आप इसमें देखो कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है, आपका ये सिग्नेचर ये सब पूछता है, ये सब आपको होने के बाद तभी आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। आपका जब तक नहीं होएगा मतलब आप बुक सेल कर सकते हो ये सब में, ठीक है। प्रोडक्ट टू सेल, आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, शिपिंग फी डिटेल्स, शिपिंग फी डिटेल्स का मतलब आप कस्टमर से कितना शिपिंग चार्ज लोगे, मतलब अगर आप मुंबई में सेल करते हो, ठीक है, मुंबई में किसी रीजन में, तो आप मुंबई के अगर किसी रीजन से ऑर्डर आया तो उसका एक अलग फीस होता है, एंड स्टेट वाइज कुछ अलग फीस होता है, एंड कुछ नेशनल होता है ना, मतलब बहुत ही दूर दूर, मतलब मुंबई में हो तो आप कश्मीर से या यूपी से या फिर केरला से कर्नाटक से आया तो उसका एक अलग चार्ज होता है। एक तीन होता है, लोकल रीजनल नेशनल, सबका अलग अलग चार्ज होता है, तो आपको सेट करना होगा, ठीक है। शिपिंग फी डिटेल्स में देखिए, आप फ्री शिपिंग भी ऑफर कर सकते हो, मतलब आप अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हो ना तो मतलब आप प्रोडक्ट की चार्ज है ना वो बढ़ा सकते हो, तो आप फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जो प्रोडक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर वो थोड़ा मुश्किल है, आपको थोड़ा प्राइस कम ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आप भरने के बाद, अगर आप जीएसटी आ जाएगा तो ये जीएसटी सब डाल के एंड आपका ये सिग्नेचर डाल के कन्फर्म कर देना, एंड आपको सेलर सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है, एक टाइमिंग है उसकी, सेलर सपोर्ट भी मिल जाता है आपको। कब भी कुछ भी अगर पूछना होगा तो सीधा आप कॉल लगा के पूछ सकते हैं सेलर अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही फटाक से, बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी सिंपल स्टेप है, एंड ये आपके इसके पास सेलर ऐप भी मिलता है, तो वह मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, उसके ओवरव्यू बताऊंगा, अमेजोन की पूरी सेलर ऐप के ओवरव्यू कि क्या कैसे रहते हैं, क्या क्या टैप्स रहते हैं, ठीक है। मेरे खुद के पर्सनल सेलर अकाउंट में आपको पूरे टैप्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप अपना, सब लोग अपना ख्याल रखना, तो चलिए बाय।